छतरपुर नगर पालिका में मंजू अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे संजू अग्रवाल ने गधे पर बैठकर विकास यात्रा निकलने वाली जगहों पर प्रदर्शन किया। अग्रवाल ने कहा कि इसी गधे पर वह नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा कर घुमाएंगे। छतरपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मंजू अग्रवाल द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे मंजू अग्रवाल ने गधे पर बैठकर ढोल बाजे के साथ उस जगह पर प्रदर्शन किया जहाँ नगर पालिका विकास यात्रा निकाल रही थी। उसी पंडाल के बाहर मंजू गधे पर बैठकर नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगे। दरअसल हुआ यूं कि मंजू अग्रवाल कुछ समय से भगत सिंह बनकर जिले के भ्रष्ट अधिकारी की पोल खोल रहे हैं। इसी पोल खोलने के चक्कर में नगर पालिका ने 2 दिन पहले उन्हें मकान निर्माण पर नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस को लेकर मंजू और उग्र हो गए और उन्होंने गधे पर बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने यह दावा किया कि इसी गधे पर वह नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा कर घुमाएंगे। वहीं जब नगर पालिका में विकास यात्रा के सामने मंजू अग्रवाल के गधे पर बैठकर अनोखे प्रदर्शन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से सवाल किए गए तो वह इधर उधर बगले झांकने लगी और मंजू नेता के अनोखे प्रदर्शन पर बोलने से बचती नजर आई। आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ। इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टाइटल दिया है कि प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा कीड़ा मकूड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूं जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें, नींद निंदा से जग सकें जी लोग। इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास तो विकास यात्रा के नाम पर विकास तो दिखता ही नहीं है, बस काली कमाई को अपने घर पर रखा जाता है। विकास धरातल पे नहीं है, विकास अधिकारियों के घर पर है। इसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। गोविंद तिवारी जी का वार्ड है और विकास के पूरे कार्य कर रहे हैं। जितने भी जो समस्याएं हैं, जो कल्याण योजना है, जितने भी वार्ड की समस्या है, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।